तो दोस्तों, क्या आप भी पाई नेटवर्क में न्यू वॉलेट क्रिएट करने को जा रहे हैं दोस्तों, और आपके पास भी ऐसा ही एरर शो कर रहा है, एन अननोन एरर हैपेंड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। और दोस्तों, आप न्यू वॉलेट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो इस वीडियो को सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप पाई नेटवर्क में न्यू वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपके पास भी ऐसा ही एरर आ रहा है दोस्तों, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में भी दोस्तों आपको कोई नया तरीका भी बताऊंगा जिससे कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है ये बाद में हमारे काम आने वाला है दोस्तों। अब चलिए आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है अपने मोबाइल में, और दोस्तों यहां पर ये पहला स्टेप है, क्योंकि यहां पर मैं आपको अलग अलग स्टेप्स बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है, और यहाँ पर पाई नेटवर्क लिखकर सर्च करना है आपको प्ले स्टोर में। दोस्तों, जैसे ही आप पाई नेटवर्क लिखकर यहाँ पर सर्च करते हो दोस्तों, तो आपको पाई नेटवर्क का ऐप देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की अपडेट यहाँ पर शो कर रही हो, तो सबसे पहले दोस्तों आप पाई नेटवर्क को अपडेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों पाई नेटवर्क को अपडेट नहीं किया है। तो आपको दोस्तों सबसे पहला काम ये है कि पाई नेटवर्क को आप अपडेट कर लीजिए, और फिर इसके बाद जो तरीका बताऊँगा वो आपकी मदद करने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दोस्तों पाई नेटवर्क के ऐप को ओपन करना है दोस्तों, यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों, ऊपर जो थ्री लाइन्स देखने को मिल रही हैं, आपको दोस्तों क्या करना है, जो थ्री लाइंस हैं इन पर आपको क्लिक करना है, और जो स्टेप्स बताता चलूँ उनको बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना है, ध्यान से देखना है आपको। थ्री लाइंस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर आपको सपोर्ट पोर्टल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इस सपोर्ट पोर्टल वाले ऑप्शन को आकर सिलेक्ट करना है। इसको जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर ऑफिशियल पेज पर ओपन हो जाओगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वॉलेट एंड ब्राउज़र इन ईमेल रिक्वेस्ट। तो क्या करना है आपको, इस वॉलेट एंड ब्राउजर इन ईमेल रिक्वेस्ट वाले जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो यहां पर कुछ कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे। इन कॉलम्स में क्या भरना है दोस्तों, ये आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। सबसे पहले आपको ईमेल कंफर्मेशन में आपकी दोस्तों ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। यहां पर दोस्तों आपको ईमेल आईडी वो एंटर करनी है जो आप यूज करते हो दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों ईमेल आईडी की। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे पाई यूज़र नेम आपको एंटर करना है, जो यूज़र नेम आप इस्तेमाल करते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, नीचे आप आओगे, एंड्रॉयड और आईओएस सिलेक्ट करना है। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड सिलेक्ट करना है, डिवाइस आईओएस है तो आईओएस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फ़ोन मॉडल और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों ही कॉलम आपको दोस्तों भरने के लिए आपको दोस्तों मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है, या फिर अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी फिल कर सकते हो, और नहीं पता है दोस्तों तो आप सेटिंग्स को ओपन करिए अपने मोबाइल की। इसके बाद यहां पर एक अबाउट फोन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, किसी किसी फोन्स में ऊपर ही देखने को मिल जाता है, और किसी किसी फोन्स में दोस्तों यहां पर आप सर्च कर लेना दोस्तों, तो आपको देखने को मिल जाएगा अबाउट फोन का ऑप्शन। क्या करना है दोस्तों, आपको इस अबाउट फोन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको दोस्तों फोन का सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल जाएगा और आपका मॉडल भी देखने को मिल जाएगा, तो दोनों चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों, यहां पर से आपको आना है बैक दोबारा अपने वहीं पर दोस्तों। इस यहां पर आने के बाद दोस्तों, फोन मॉडल आपको एंटर करना है और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंटर करना है। ये डालने के बाद दोस्तों, यहां पर मेन चीज आती है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू। तो दोस्तों, यहां पर आपको क्या लिखना है चलिए बता देता हूं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको भी नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए यहां पर बता देता हूं कि क्या आपको लिखना होगा। स्टार्टिंग करनी है दोस्तों यहां पर डियर पाई नेटवर्क टीम से दोस्तों, और इसके बाद ऐसा आपको लिखना है यहां पर, सबसे पहले डियर पाई नेटवर्क टीम, व्हेन आई एम क्रिएटिंग न्यू पाई अकाउंट इट शोज एन अननोन एरर हैपेंड, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ऐसा दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू में लिखना है, और दोस्तों जैसा ही आप यहाँ पर लिख लोगे, आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, और दोस्तों जो आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया था दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में, जैसा मैंने बताया था, वो स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको यहाँ पर ब्राउज वाले बटन पर क्लिक कर यहाँ पर लगा देना होगा। आपके पास दोस्तों स्क्रीनशॉट है, वो यहाँ पर आप लगा दीजिए। स्क्रीनशॉट लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे एक सेंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो क्या करना है दोस्तों, आपको इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ये जो आपने दोस्तों पूरे कॉलम्स भरे हुए होंगे दोस्तों, और यहां पर जो स्क्रीनशॉट लगाया है और जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो सब लिखने के बाद दोस्तों जैसे ही सेंड करोगे तो पाई नेटवर्क की टीम के पास ये पहुंच जाएगा दोस्तों। इसके बाद वो इसको रिव्यू करेंगे और 24 से 48 घंटे में दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगली वीडियो में।